रेणु महेश फार्मेसी कॉलेज सीतापुर अंतर्गत छात्रों के साथ की गई धोखाधड़ी के विरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में शुरू किए गए आंदोलन के बाद कॉलेज संचालक डॉक्टर महेश गुप्ता ने मोर्चा प्रतिनिधियों के साथ बात करके छात्रों द्वारा कॉलेज में जमा फीस की वापसी जमा रसीद के आधार पर उपस्थित छात्रों को कर दी गई। उपस्थित 15 छात्रों को 2,90,000 रुपए वापस किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, ऐसे ही मुझे इस प्रकरण की जानकारी मिली और पीड़ित छात्रों ने मुझसे संपर्क किया। मैंने किसान मंच प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह और सिख संगठन जिलाध्यक्ष गुरुपाल सिंह को सूचित कर पीड़ित छात्रों के साथ जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा। जिला प्रशासन द्वारा जांच हेतु 2 दिनों में जांच आख्या हेतु आदेशित किया गया। आज तीसरे दिन कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन के आह्वान पर उपस्थित छात्रों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों से वार्ता करने पहुंचे कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर महेश गुप्ता ने जमा पैसे वापस करने की बात रखी। आपसी सहमति होने पर सभी उपस्थित 15 छात्रों को 2,90,000 समाधान की वापसी कर दी गई। प्रकाश सिंह ने कहा कि शेष उपस्थित 7 छात्रों के 1,19,000 फीस कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय शर्मा के पास जमा है। इसे लेकर वे कॉलेज छोड़कर फरार हो चुके हैं। अब उनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाकर धन वापसी कराई जाएगी। धरना स्थल पर उपस्थित SO रामकोट को ज्ञापन सौंपते हुए गुरुपाल सिंह ने कहा, दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित कर दंडित करने का दायित्व जिला प्रशासन को निभाना है। धरना स्थल पर उपस्थित लोगों में वीना सिंह, सूर्यपाल सिंह, गीतेश झूलिया व अन्य किसान मोर्चा के सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञापन दे दिए हैं, एप्लीकेशन दे दिए हैं और अब SHO साहब का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द बच्चों का पैसा वापस होगा। जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्या मामला श्रीमान जी, यहाँ पर धरना चल रहा है? रेणु महेश फार्मेसी के नाम से कॉलेज खोला हुआ है इन्होंने। यहाँ बच्चों को डिप्लोमा मिलता है यहाँ फार्मेसिस्ट का। और इस सत्र में यहाँ के प्रिंसिपल थे विजय शर्मा जी, उनके माध्यम से यहाँ से लोगों से फीसें वसूली गई और लड़कों को गुमराह किया गया। उनकी छमाही परीक्षा भी हुई, प्रैक्टिकल भी हुए, कागज पे सब दोस्ता हुई, लेकिन जब मेन परीक्षा आई, वार्षिक परीक्षा आई, तब यहाँ बताया गया कि आप लोगों का वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है यूनिवर्सिटी में, इसलिए अगले सत्र में आपकी व्यवस्था हो पाएगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि बच्चों का एक वर्ष का समय बेकार गया और इन सबसे फीस वसूली गई, जमा कराई गई। इसी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था और आज यहाँ पे इकट्ठा होकर के बच्चों को पैसा वापसी की व्यवस्था की गई। अभी तक 8 लोगों को 1.5 लाख के ऊपर पैसा वापसी हो चुकी है और शेष पैसा उन्होंने बताया है कि अभी हम 2:30 बजे के बाद व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी पैसा वापस करेंगे। श्रीमान जी, जैसा कि पैसा लिया और काम नहीं हुआ, अब पैसा वापस ले तो फ्रॉड का मामला आ रहा है, इसके बाद कार्रवाई करेंगे आप लोग? उसके बाद भी कार्रवाई होगी। पहले हमारी सोच ये है कि इनका पैसा जो भी है वो वापस हो जाए, उसके बाद इनके पे 420 का मुकदमा तो बनता ही है। वो लोगों को इन्होंने गुमराह किया है, समय बेकार किया है, बच्चों के साथ धोखाधड़ी की है, तो मुकदमा तो बनना करना। आपका नाम? मेरा नाम शिवप्रकाश सिंह है, किसान मोर्चे का मैं सदस्य हूँ और किसान मंच का प्रदेश प्रभारी हूँ।